की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर आज स्वच्छता अभियान का दूसरा दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, बीजेपी का स्वच्छता अभियान चल रहा है ग्वालियर में और आज का दूसरा दिन है। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे शामिल इस पूरे अभियान में। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे, वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी का सदस्यता अभियान का दूसरा दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर होंगे कार्यक्रम में शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ग्वालियर दौरा है आज। इसी के साथ प्रेमेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्वालियर से लाइव। प्रेमेंद्र सिंह जी, क्या कुछ अपडेट है, आज दूसरा दिन है स्वच्छता अभियान का, क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की वहां पर, और विपक्ष जो है उसकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे मामले पर? आज उसका ये दूसरा दिन है और कल जो शहर में हुआ, जो विपक्ष की आपने बात की, जो विपक्ष के साथ जो शहर में हुआ, कांग्रेस भी चाहते थे कि उसको धरना प्रदर्शन की इजाजत प्रशासन दे, वो शांतिपूर्ण महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अपना धरना देंगे और कोरोना काल में इस तरीके के बीजेपी के बड़े आयोजनों का विरोध करेंगे, लेकिन उनको परमिशन प्रशासन ने नहीं दी और जिसके चलते हुए ये हुआ कि जितने भी कांग्रेसी इकट्ठे हुए थे जिला कांग्रेस कार्यालय में, उन सबको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल में भेज दिया। कुछ जगह झड़प भी हुई, कुछ लोगों की पुलिस से झड़प हुई, उसके बाद उसको देर शाम को छोड़ दिया गया। आज भी वही गतिविधि है, आज भी शहर में 5 स्थानों पर विधानसभा बाहर सदस्यता अभियान है और आज भी ये बड़े बड़े बीजेपी के नेता शहर में है। तो कांग्रेस की भी पूरी प्लानिंग है कि आज वो लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने धरना देंगे और अगर पुलिस ने उनसे कुछ कहा या प्रशासन ने कुछ कहा तो वो जेल जाने को दोबारा से तैयार है। तो ये विपक्ष की भूमिका है, लेकिन एक राजनीति इसलिए भी कर पा रही है यहाँ की, क्योंकि दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर में है और दिग्विजय सिंह आज शाम तक ग्वालियर में रहेंगे। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़े खुलासे किए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके, जिसमें उन्होंने अपने मोबाइल में वो पुरानी पिक्चर्स दिखाई है जब कमलनाथ के साथ जो उनका एलिगेशन था, कमलनाथ सरकार के साथ सिंधिया थे, उस समय की बातें बताई है। और उसके अलावा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद यहाँ पर जो कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गई, उसके बाद उनके कैसे वचन बदले या कैसे बोल बदले, वो सब चीजें आज दिग्विजय सिंह ने पूरी मीडिया के सामने ओपन की है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज शाम तक की जो ग्वालियर की राजनीति है अगले 2 दिनों की, वो काफी गर्म रहने वाली है, क्योंकि तो एक तरफ कांग्रेस अपने सवाल पर डटी है कि क्यों कोरोना काल में ऐसे आयोजन हो रहे हैं, क्यों उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र का ये तरीका नहीं होता कि एक पार्टी जो सत्ता में है वो प्रशासन का दुरुपयोग करके और इस तरीके के कार्यक्रम ऐसी महामारी के टाइम में कर रहे हैं, जिससे पूरे ग्वालियर में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि प्रतिदिन जो ग्वालियर में आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोरोना के 120-130 के लगभग प्रतिदिन पॉजिटिव मरीज यहाँ आ रहे हैं। तो कांग्रेस का भी मुद्दा अपनी जगह ठीक है कि इस तरीके के आयोजन नहीं किए जाने चाहिए, तो अभी कुछ देर बाद ही फिर से टकराव की स्थिति ना बन जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने कांग्रेसियों को एक बार फिर से अपनी छावनी में उस लक्ष्मीबाई समाधि को तब्दील कर दिया है कि अगर उनको धरना देना है तो शांतिपूर्वक दे, अगर कुछ वो गड़बड़ करते हैं या कुछ और ऐसा काम करते हैं जिससे शांति भंग हो तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जी अनन्या, जी प्रवीण जी के साथ अभी तक कितने कांग्रेसियों ने बीजेपी से? हेलो जी, प्रेमेंद्र जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी प्रेमेंद्र जी, अभी तक इस अभियान का कितना असर देखने को मिला है, कितने कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली है? जी आपको बता दूं कि जो ये सम्मेलन हो रहे हैं, ये 3 दिनों के सम्मेलन है और 3 दिनों में पूरे संभाग भर से यहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के जुट रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अलावा जो लोग सदस्यता लेना चाहते हैं बीजेपी की, उन लोगों को भी पार्टी ने आमंत्रित किया है, चाहे वो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आ रहे हो या और पार्टियों के नेता अगर बीजेपी की वो लेना चाहते सदस्यता तो उनको यहाँ बुलाया गया है। धन्यवाद।
जी प्रेमी जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर आज स्वच्छता अभियान का दूसरा दिन है।